स्टूडेंट, आज अपन डीसी जनरेटर के टर्मिनल की टेस्टिंग करेंगे। टर्मिनल्स, ये देखो टर्मिनल की टेस्टिंग दिख रही है। तो डीसी जनरेटर है, और डीसी जनरेटर के अंदर आपको सबको पता है कि सीरीज होता है, शंट होता है और कंपाउंड होता है। तो आज अपन डीसी जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर के टर्मिनल की टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि डीसी कंपाउंड जनरेटर में कौन कौन सी वाइंडिंग होती है। तो सबसे पहले होती है सीरीज, एक होती है शंट, और तीसरी होती है कंपाउंड। कंपाउंड जनरेटर में सीरीज और शंट का कंबाइंड होता है, जो होता है कंपाउंड जनरेटर। अब जो छह टर्मिनल दे रखे हैं अपन को, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्मिनल, ये आप देखो नेम प्लेट पे ही आपको छह टर्मिनल दिख रहे हैं। छह टर्मिनल है, यानी कि ये कंपाउंड जनरेटर है। अब कंपाउंड जनरेटर में छह टर्मिनल की टेस्टिंग करनी है, तो इसमें दो सीरीज के पॉइंट होंगे, दो शंट के होंगे और दो आर्मेचर के टर्मिनल होंगे। तो सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि छह टर्मिनल में जोड़ा कौन कौन सा किसका है। जैसे अपन एक नाम दे दिया, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब छह टर्मिनल में से अपन को सबसे पहले तो देखना है कि जोड़ा कौन सा टर्मिनल का है। तो अपन टेस्टिंग लैंप से या मल्टीमीटर से अपन चेक करेंगे। तो अपन मल्टीमीटर से ही चेक करते हैं कि भाई कैसे टर्मिनल कौन कौन से है। अब मल्टीमीटर में अपन क्या करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस चेक करना है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर अपन ने इसको नॉब को रख लिया है। अब रेजिस्टेंस में जो नॉब पे अपने सेम रीडिंग आएगा वो सेम पॉइंट हो गया। अब इन सेम पॉइंट के अंदर अपन को ये देखना पड़ेगा कि सीरीज कौन सा है, शंट कौन सा और कंपाउंड कौन सा है। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि सीरीज मोटर क्या में क्या होता है, शंट में क्या होता है। तो सीरीज में क्या होता है, मोटे तार होते हैं, और टर्न्स क्या होंगे, कम होंगे। तार क्या होंगे, मोटे होंगे। तार क्या होंगे, मोटे तार होंगे, और टर्न्स क्या होंगे, कम टर्न्स होंगे। मोटे तार होंगे, टर्न्स कम हुआ तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या हो गया, कम हो गया। प्रतिरोध कम हो गया तो बल्ब क्या जलेगा, बल्ब तेज जलेगा। तो ये तो हो गया सीरीज का। अब आता है शंट का। शंट के अंदर क्या हो गया, वाइंडिंग जो है, तार कहते हो गए, पतले तार हो गए, और टर्न क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो प्रतिरोध क्या हुआ, ज्यादा हो गया। प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो बल्ब क्या करेगा, कम जलेगा या स्पार्किंग होगी। ठीक है, तो ये बात तो ये आपको समझ में आ गई। अब अपन मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं कि किसका प्रतिरोध ज़्यादा है। तो कौन से टर्मिनल सीरीज के हो गए, कौन से शंट के हो गए, और कौन से आर्मेचर के हो गए हैं। तो अपन टर्मिनल टेस्ट करते हैं मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर में अपन देखते हैं कि कौन कौन से टर्मिनल कौन कौन से हैं। लगाइए आप, हाँ, एक पहला पे लगाया, और फिर नीचे किस पे लगाया है, फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, छह टर्मिनल अपन ने मान लिए हैं। अब पहले नंबर पे लगाया एक नॉब को, और दूसरे लगाया चौथे पे, तो इसमें रीडिंग बता रहा है। दूसरे पे लगाओ, कुछ नहीं बता रहा। तीसरे पे लगाओ, कुछ नहीं बता रहा है। चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, कहीं पे भी कोई रीडिंग नहीं बता रहा है। तो यानी कि अपने टर्मिनल कौन कौन से हो गए, फर्स्ट और फोर्थ टर्मिनल सेम हो गया है। तो अपन कॉपी में अपन लिख लेते हैं, फर्स्ट और फोर्थ टर्मिनल सेम हुआ है। सेकंड लगाइए आप, सेकंड पे लगाओ, हाँ, इस पे एक नॉब, इस पे लगाओ, हाँ, इस पे लगाओ, तो कौन कौन से हो गए, सेकंड और आपके हो गया फिफ्थ टर्मिनल सेम हो गया। तो सेकंड और फिफ्थ टर्मिनल सेम हो गया। अब कौन सा बच गया, थर्ड बच गया, और कौन सा बच गया, सिक्स टर्मिनल बच गए। अब इनमें अपन प्रतिरोध की यूनिट लेके देखते हैं कि प्रतिरोध की यूनिट किस में कौन कितनी आ रही है। तो अब प्रतिरोध की यूनिट, अब अपन ने इसको मल्टीमीटर को 2K पे इसकी नॉब को रखा है, देख लीजिए ढंग से आप इसकी प्रतिरोध
2K पे अपन ने इसको रखा है। अब अपन इनकी रीडिंग लेते हैं। तो फर्स्ट टर्मिनल जो अपन ने लिए हैं, फर्स्ट टर्मिनल की रीडिंग लीजिए। हाँ, फर्स्ट टर्मिनल की रीडिंग कितनी आ रही है आपके, कितनी आ रही है, 0.008। तो फर्स्ट टर्मिनल की 0.08 आ गई, 0.008 आ गई। किसमें आई है, प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं तो ओम में। फिर सेकंड टर्मिनल पे लीजिए, जो टर्मिनल सेम लगा रखे हैं अपन ने, सेकंड टर्मिनल पे आ रही है 0.001 ओम। थर्ड पे लगाइए, थर्ड पे आ गई 0.459 ओम। अब ये अपन ने प्रतिरोध की निकाल लिया। अब इनमें अपन देखते हैं कि प्रतिरोध सबसे ज़्यादा किसमें है और किसमें कम है। तो इसमें अब आप बताइए, जल्दी से बोलिए कि किसमें कम है और किसमें ज़्यादा है। देखो 0.008 आया है, तो 0.008 क्या हो गया, आर्मेचर। देखो तीन रीडिंग दी है, एक 0.008, 0.001 और 0.459। तो सबसे कम रीडिंग किसमें है, 0.001 में। 0.001 में रीडिंग कम आई है, तो वो कौन सा हो गया, सबसे कम जिसमें होती है वो कौन सा होता है, सीरीज। प्रतिरोध सबसे कम जिसमें है, प्रतिरोध सबसे कम किसमें हुआ, सीरीज में। तो फिर आप संट कैसे बोल रहे हो, सबसे कम प्रतिरोध हो गया कम जो हो गया वो हो गया सीरीज। फिर संट में क्या होता है, सबसे प्रतिरोध ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किस में है, 3 और 6 पॉइंट में। तो ये हो गया आपके संट का, और जो बच गया वो हो गया आर्मेचर का, ठीक है। तो ये आज अपन ने मल्टीमीटर से कंपाउंड जनरेटर के टर्मिनल की टेस्टिंग की है। जो सबसे कम प्रतिरोध आता है वो सीरीज का होता है, सबसे ज़्यादा प्रतिरोध आता है वो शंट का होता है, और बीच का जो आता है वो आर्मेचर का हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपन सीरीज टेस्ट लैंप से देखेंगे।